Hello everyone, welcome back to my video. Today we will do very interesting cue card and the topic is describe a photo that you are proud of. Bullet points are when did you take this photo, what is the photo about, why you feel proud of the photo. Now let's see what is my simple answer. I am going to discuss some important vocab also in this video, and at the end you can find part 3 questions. So let's get started. Okay, let's start with the simple answer. आई एम अ फोटोजेनिक पर्सन. फोटोजेनिक मीन्स कि वो वाले पर्सन जिनकी फोटोग्राफ्स जो बहुत अच्छी आती हैं. सो मैं एक फोटोजेनिक पर्सन हूँ कि मेरी जो फोटोज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आती हैं. आई लव टू कैप्चर माई एग्जीक्यूटिव मूवमेंट्स एंड मोबाइल कैमराज मेक दिस थिंग वेरी इजी. मैं अपने जो मूवमेंट्स हैं उनको कैप्चर करना मुझे अच्छा लगता है. कैप्चर मीन्स टेक. टेक इज अ वेरी सिंपल वर्ड, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड कैप्चर. एक्सक्विसिट मीन्स वंडरफुल. जो मेरे वंडरफुल मूवमेंट्स होते हैं लाइफ के उनको मैं कैप्चर करती हूँ किसके साथ, मोबाइल कैमरा के साथ. आई ऑलवेज यूज माई मोबाइल कैमरा टू टेक पिक्चर्स, और पिक्चर्स के लिए मैं अपना मोबाइल कैमरा यूज करती हूँ. आईज वर्क मोर देन ईयर्स इज अ वाइड स्प्रेड फैक्ट, सो आई हैव एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ एल्बम्स. आईज वर्क मोर देन ईयर्स, ये एक फैक्ट है कि जो हम अपने आईज से देखते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा लॉन्ग रिमेम्बरिंग होता है इंस्टेड ऑफ कि जो हम सुनते हैं. सो ये क्या है, ये वाइड स्प्रेड फैक्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, इट इज अ फैक्ट. और एक्सटेंसिव मीन्स वाइड. मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है ऑफ एल्बम्स जहां पे मैंने अपनी फोटोज जो है वो रखी हुई है. ओके, सो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ योर क्यू कार्ड. टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ ब्यूटिफुली क्लिक्ड फोटोग्राफ व्हिच ऑलवेज ड्राइव मी बैक इन टाइम. ड्राइव मी बैक इन टाइम मीन्स कि समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, जो चीज पास में हो चुकी है, मुझे वो जो फोटोग्राफ है जो कि ब्यूटिफुली क्लिक्ड है वो मुझे कुछ याद दिलाती है. अब आगे देखेंगे कि वो क्या चीज है जो मुझे वो फोटोग्राफ देख के याद आता है. सो लेट्स मूव अहेड. चलिए, आई एम कीन टू कुकिंग. मुझे कुकिंग का बहुत शौक है. कीन टू मीन्स इंटरेस्टेड, कि मैं कुकिंग करने में इंटरेस्टेड होती हूँ. I love to do experiments with different ingredients. बहुत सारे ingredients के साथ मुझे, different ingredients के साथ मुझे experiment करना अच्छा लगता है. Few months ago there was a cooking competition at the state level. और थोड़े time पहले ही जो है वो cooking competition था, जो कि एक state level competition था. I registered my name and did lots of practice to win it. Fortunately, I got first position. अब मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया, बहुत प्रैक्टिस की उसको जीतने के लिए, और मैं उसको मैंने विन भी कर लिया. मेरी फर्स्ट पोजीशन आई. व्हाइल गेटिंग द ट्रॉफी माय बेस्ट बडी सेली क्लिक्ड अ रैंडम फोटो. और जब मुझे ट्रॉफी दी गई तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी सेली, उसने एक रैंडम क्लिक किया. रैंडम फोटो मीन्स कि बाय चांस उससे क्लिक हो गई, कोई उसने सोचा नहीं था कि मैं इस पोज के साथ मैं क्लिक करूंगी या समथिंग. एक रैंडम क्लिक था. However, it seems like it was taken by a professional photographer. ये जो है ये फोटोग्राफ ये मेरी फ्रेंड ने क्लिक की थी, बेस्ट बॉडी ने, लेकिन वो ऐसी फोटो आई जैसे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने उसको क्लिक किया है. In the photo, I held the trophy in my hands and my parents and chief guests are also standing besides me. उस फोटो में अब क्या हुआ, मैं उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ. उस फोटो में अपनी मैंने ट्रॉफी पकड़ी हुई है अपने हैंड में, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, वो भी मेरे साथ खड़े हैं. बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, कि मैंने तो अपनी ट्रॉफी पकड़ी ही है और मेरे साथ और कौन लोग हैं, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने दी है. सो मैंने क्या वर्ड यूज किया, बिसाइड्स. आप अलोंग विद मी भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट वर्ड. एवरीबडी स्माइलिंग एंड देयर इज जॉय एंड ग्लैडनेस ऑल अराउंड. अब उस फोटोग्राफ में सब स्माइल कर रहे हैं और जो हैप्पीनेस एनवायरमेंट है वो नजर आ रहा है. That was the spectacular moment of my life. और ये जो है मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा मूवमेंट था. Gladness means cheerfulness, means happiness. कि उस जो फोटोग्राफ को देख के जो environment है वो बहुत ही अच्छा उसमें नजर आया हुआ है. जो भी उसको देखता है वो भी happy हो जाता है. I framed this snap and hanged on the wall of my living room. अब मैंने इसको फ्रेम करवाया है और ये मेरे लिविंग रूम में जो है वो दीवार पे मैंने लगाई हुई है. Whenever I look at the photo, जब भी मैं फोटो को देखती हूँ, it took me down to the memory lane. तो क्या होता है, took me down to the memory lane means कि अगेन कोई ऐसी चीज को डिस्क्राइब करना जो पास्ट में हुई थी, तो मैं पुरानी जो यादें हैं उसके बारे में सोचने लग जाती हूँ.
and brought nostalgic memories. Nostalgic memories means sentimental emotions. कि थोड़ा सा sadness, थोड़ा सा happiness, दोनों का जो mixture होता है उसको हम बोलते हैं nostalgic memory. I usually start recalling all hard efforts which I put to win the competition. Obviously, मैंने कुछ अगर जीत हासिल की है तो उसके लिए मैंने बहुत सारे efforts लगाए होंगे, लेकिन मैंने क्या वर्ड यूज किया, हार्ड एफर्ट्स. इसीलिए यहाँ पे नॉस्टैल्जिक मेमोरी आया कि ये सेंटिमेंटल इमोशन जो है वो उस फोटोग्राफ से मुझे पता चलता है, मुझे उसकी याद आती है. दैट फोटो इज रियली स्पेशल टू मी. एट द एंड आई कैन से दैट माय हार्ट ऑलवेज गेट्स फिल्ड विद इमेंस प्राइड. इमेंस प्राइड मीन्स वास्ट सेल्फ इंपॉर्टेंस. अपने आप को बहुत प्राउड फील करना कि मैंने ये वाला काम किया है, मैंने ये वाली जो जीत है वो हासिल की है. जब भी मैं उस फोटोग्राफ को देखती हूँ तो मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ. माई हार्ट ऑलवेज गेट्स फिल्ड विद इमेंस प्राइड व्हाइल लुकिंग एट दिस पिक्चर. इट इज एक्चुअली वर्थ मोर देन 1000 words. वर्थ मोर देन 1000 words ये भी एक idiom है. अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 words की मीन्स की कोई ऐसी कोई क्लिक आना, कोई ऐसी पिक्चर आना जिसमें कि कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, वो पिक्चर ही सब कुछ जो है वो डिपिक्ट करती है. तो 1000 words को बोलने की जगह अगर उस पिक्चर को हम देख लें तो वो पिक्चर अपने आप में ही जो है वो इतना कुछ रिफ्लेक्ट करती है. सो दिस इज अ idiom, दिस इज अ वेरी गुड idiom. यू कैन यूज दिस idiom स्पेशली इन टू दस क्यू कार. एंड दिस इज माई सिंपल आंसर. अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अभी वीडियो खत्म नहीं हुई. इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट द पार्ट 3 क्वेश्चन देन प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 3 नाउ.